नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हमारे देश में ही नहीं पर विश्व में जो कृषि है उसकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है पशुओं को। और अगर हम बात करें दुधारू पशुओं की, तो जी हाँ, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब जबकि शीत ऋतु का आरंभ हो चुका है, शीत ऋतु में दुधारू पशुओं को भी कुछ विशेष आवश्यकता होती है उनकी देखभाल की, उनके स्वास्थ्य के प्रति हम कैसे जागरूक रहें। तो चलिए क्यों ना आज इसी विषय की चर्चा करते हैं आज हम अपने अंक में। तो चलिए आज हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं कि दुधारू पशुओं की शीत ऋतु में देखभाल किस प्रकार से की जाए। इस विषय को लेकर आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है हमारी एक विशेष अतिथि, जो कि है डॉक्टर स्वाति तिवारी। ये VAS पशु चिकित्सालय गुनगा भोपाल से उपस्थित है। नमस्कार स्वाति जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। स्वाति जी, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि पशुधन को किस विशेष भोजन की आवश्यकता होती है जो कि शीत ऋतु में उन्हें दिया जाना चाहिए। देखिए, शीत ऋतु शुरू हो चुका है, तो जो पशुधन होता है उसको जिस प्रकार हमें ज़्यादा आहार की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से पशुधन को भी अधिक आहार की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी पाचन शक्ति थोड़ी सी धीमी हो जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे पशुधन की भी पाचन शक्ति थोड़ी सी धीमी हो जाती है जी। तो इस समय हमें बाईपास फैट या बाईपास प्रोटीन्स या जो जिसे हम सांद्र चारा कहते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेट, उसकी मात्रा हमें उनके आहार में थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। हाँ जी। जैसे कि हम अभी दुधारू पशुओं के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल, तो दुधारू पशुओं में प्रति एक लीटर दुग्ध उत्पादन के हमें 500 ग्राम चारा उनमें बढ़ा देना चाहिए। अच्छा, जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, यदि मेंटेनेंस के लिए आप 1 किलो राशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रति लीटर दूध के आप 500 ग्राम चारा और बढ़ा दीजिए। अच्छा जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन अगर किसान भाइयों को ये भी जानकारी हो कि ठंड के दिनों में वो कौन सी फसल लगाएं जिसको कि चारा के रूप में वो अपने पशुधन को दे सकें, तो कौन कौन सी फसल हो सकती है वो? जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया पूर्वा जी, हमें इस समय पर क्या करना चाहिए कि हरे चारे की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। देखिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं, रफेज और कॉन्सेंट्रेट, यानी कि सूखा चारा और सांद्र चारा, इन दोनों की मात्रा हम देते हैं 2/3 और 1/3 क्रमशः जी। इस समय पर हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट यानी कि हरा चारा, उसकी मात्रा को हमें बढ़ा देना है उनके अंदर में जी। तो हमें इस समय हरे चारे के लिए बरसीम हो गया, लूशन हो गया, उसी प्रकार, सॉरी, हरा चारा है उसके लिए हमें ज्वार, बाजरा, इस तरह की फसलों का ज्यादा उत्पादन करना चाहिए। खास करके मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगी जो फॉडर ग्रासेस होती हैं, जैसे कि बताया मैंने, बरसीम, लूशन, सुडान ग्रास, इनका इस्तेमाल हमें ज्यादा करना चाहिए जी। ये चारा फसलें हैं जो कि आपने हमारे हाँ। किसान भाइयों को बताया कि ये अगर लगाएंगे तो निश्चित तौर पर वो अपने पशुधन है उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था कर जी लेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते ही हैं कि यदि हरा चारा हम ज्यादा देंगे तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी। बिल्कुल, और ये बात तो हम सभी को पता है कि यदि पानी की मात्रा हमारे शरीर में अच्छी है, पशुओं के शरीर में भी अच्छी है, तो ना सिर्फ वो दुग्ध उत्पादन ज्यादा अच्छा करेंगे, वे ज्यादा हेल्दी रह सकेंगे जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम मनुष्यों में भी ठंड के दिन आती है तो थोड़ी सी, जिसे कहना चाहिए, क्रीविंग बढ़ जाती है, खाने की जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ जाती है, थोड़ा सा खाना भी ज्यादा लगता है, तो क्या पशुधन को भी कुछ अतिरिक्त आहार देना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, आपको इस समय अतिरिक्त आहार देना चाहिए, क्योंकि ये जो सीजन है इससे बढ़िया दूध उत्पादन के लिए सीजन कोई दूसरा होगा ही नहीं जी। इसके अलावा आप ये भी समझिए कि ये जो सीजन होता है ये भैंसों के लिए स्पेशली ज़्यादा प्रोडक्टिव सीजन होता है, तो इस समय हमको उनके चारे में प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन के तो बढ़ा ही देना चाहिए चारा, इसके अलावा भी हमें उनकी डाइट थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। अच्छा जी। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, यदि आप गुड़, अच्छा, नमक, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे यहाँ आराम से मौजूद होती हैं, यदि हम उनको बढ़ा देंगे तो ना सिर्फ उनका फीड इनटेक बढ़ेगा, उनको रुचि ज़्यादा आएगी खाने में, बल्कि उनके शरीर के लिए भी ज्यादा अच्छा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात बताई। क्या कुछ समय भी निर्धारित है कि हम इस समय पर पशु को भोजन दें तो उस समय पर खाने से वो स्वस्थ रहेगा? क्योंकि क्या है, पशुधन है, उन्हें तो जब समय मिलेगा, मतलब वो तो दिन भर ही है जो चारा चरेंगे, लेकिन क्या उन्हें एक जो नियमित खाना है, जो भोजन है, वो किस समय पर देना चाहिए? ये जो सवाल है बेहद इंटेलिजेंट सवाल है, मैं कहूंगी। देखिए, क्या होता है कि जो पशुधन होता है या हम सभी होते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत हमें होती है शाम के समय या रात के समय जी। तो यदि आप दोपहर बाद या शाम की शुरुआत में अपने पशु को खाना दे देंगे,
तो 5 से 6 घंटे के अंदर वो पचना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो पचना शुरू हो जाएगा तो एनर्जी मिलनी ज्यादा शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो पीक ठंड का समय होगा 10-11 बजे के आसपास, उस समय हमारे पशु के अंदर एनर्जी बराबर बनी रहेगी, तो ये हमारे पशु के लिए सबसे बेस्ट होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि हो सके तो दोपहर बाद या शाम की शुरुआत के समय अपने पशुओं को सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा ये न्यूट्रिशियस खाना देना मेक श्योर करें। चलिए, ये बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन कुछ जो पशु हैं जो कि गाभिन पशु होते हैं, उनकी देखभाल या उनके खाने में कौन कौन सी जो विविधताएं लाएं, किसान भाई कुछ अलग से आहार दें और उनकी देखभाल भी किस प्रकार से करें, दोनों बातें। देखिए, हम सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब अगर स्त्रियां भी गर्भवती होती हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। हाँ जी, बिल्कुल उसी प्रकार हमारे जो पशु होते हैं, पशुओं को भी ज्यादा आहार या ज्यादा न्यूट्रिशियस आहार में कहना चाहूंगी, उसकी जरूरत होती है जब वो ग्यावन होते हैं। हाँ जी। जो आखिरी तिमाही होता है, तीसरा तिमाही जिसको हम कहते हैं, वो उस समय हमें पशुओं की ज्यादा देखभाल करनी चाहिए। गायों का जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 महीने 9 दिन का होता है, भैंसों में 10 महीने 10 दिन का होता है। अच्छा, तो दोनों ही के केस में हमें आखिरी तिमाही में एक तो कैल्शियम बराबर उनको देते रहना चाहिए। सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, बाकी के जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं जो कि किसी भी उपलब्ध मिनरल मिक्सचर में आराम से अवेलेबल होते हैं, हमें वो देना चाहिए। इसके अलावा हमें उन्हें ऐसी चीजें देना चाहिए जो नेचुरली उनकी एनर्जी को बढ़ा सके अंदर से। अच्छा, इस तरह की चीजें हमें देना चाहिए। हाँ जी। बाकी मैं एक चीज पर एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि जब वो जन जाते हैं, यानी कि जब वो डिलीवर कर देते हैं पाड़ा पाड़ी या बछड़ा बछिया को, उस समय हमें उनको ज्यादा कैल्शियम एवं और ज्यादा न्यूट्रिशियस चीजें प्रोवाइड करना चाहिए। अच्छा जी, ये हो गई हमारे जो गाभिन पशु हैं उनके विषय में बात। लेकिन मेरे मन में एक जो सवाल आता है कि हम भी ठंड के दिनों में, हमारे घर के बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनका कुछ विशेष ध्यान रखते हैं, उनके कमरे में कुछ विशेष गतिविधियां करते हैं जिससे कि ठंड ना लगे, तो हमारे पशुओं के लिए भी क्या उनके बाड़े में कुछ विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं? जी हाँ, बिल्कुल रेलेवेंट सवाल है ये, हम सभी रिलेट कर सकेंगे इस चीज को। देखिए क्या होता है, हम पशुओं को बाड़े में रखते हैं तो हमें ये करना चाहिए कि बाड़े को किसी तरह से कवर करके रखें, यानी कि ढांक के रखें। तो ढांक के रखने के लिए आपके यहाँ पर पुराने बारदाने, सभी के घर पर होते हैं पुराने बारदाने, तो पुराने बारदानों से आप उनको कवर कर सकते हैं, ऐसा कि बिल्कुल सीधी ठंडी हवा ना आए। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी चीज बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, वो है पेड़ लगाना। अच्छा, यदि आप बाड़े से तकरीबन 2-3 मीटर के डिस्टेंस पर पेड़ लगा देते हैं, ऐसा पेड़ जो बहुत ज्यादा हवा भी ना रोके और ऐसा पेड़ जो बहुत ज्यादा रोशनी को भी ना रोके। अच्छा, जैसे कि यूकलिप्टस के पेड़ होते हैं, बिल्कुल वो काफी अच्छे पेड़ होते हैं जो आप लगा सकते हैं, तो ऐसे पेड़ों को आप लगा दें जिससे वे बचे रह सके। इसके अलावा आप एक काम ये कर सकते हैं कि नीचे फर्श को बिल्कुल सूखा करके उस पर एक भूसे की लेयर बना दें। भूसे की लेयर से एक अच्छाई ये भी होगी कि ना सिर्फ वहां पर से थोड़ी गर्मी आती रहेगी बल्कि पशु को थोड़ा बहुत चरने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। ये चीज आप कर सकते हैं। बाकी पूर्वा जी, अपन अलाव अपने लिए लगाते हैं, आप यदि अलाव पशुओं के लिए लगा देंगे तो बहुत ही उम्दा रहेगा। इसके अलावा भी आप गर्मी के लिए उनको, अंदरूनी गर्मी के लिए बाहर से भी आप जो भी प्रोवाइड कर सके, हल्का थोड़ा बहुत कवर करना, स्टीम देना, इस तरह से आप जो भी कर सके ये हमें जरूर करना चाहिए। अच्छा जी, क्या पानी को भी जो है, क्योंकि हम भी ठंड के अंदर हल्का सा ल्यूकवर्म जिसे कहना चाहिए, हल्का सा गर्म पानी, तो क्या पशुओं को वो देने से फायदा होगा? हाँ, देखिए पशुओं को रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस चीज की, मतलब ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि हम पशु को गर्म पानी दें। हाँ जी। लेकिन यदि आप उन्हें हल्का गुनगुना पानी देंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, इनफैक्ट वो ज्यादा अच्छा है बचाव के लिए, बहुत क्योंकि ठंड के दिनों में ऐसा होता है ना कि हम खुद भी पानी इंटेक जो है हम पी रहे हैं वो बहुत कम हो जाता है, और हल्का सा गुनगुना पानी मिले तो शायद 2 घूंट से 4 घूंट हो जाता है, तो वही पशु भी करेंगे कि थोड़ा सा ज्यादा पानी पिएंगे, हमको बिल्कुल वही मेक श्योर करना है। इसके अलावा आप एक और चीज बहुत छोटी सी ये कर सकते हैं कि आप पानी में हल्का सा ग्लूकोज मिला दें। अच्छा, और ग्लूकोज नहीं तो आप थोड़ा सा नमक और शक्कर ही मिला दें यदि पानी में, तो थोड़ा फ्लेवर्ड पानी हो जाएगा, डिहाइड्रेट होने से बचेंगे, ज्यादा पीना चाहेगा और डिहाइड्रेट नहीं होगा। बिल्कुल, आपको तो काफी चीजें पता भी है मैडम। जी, आप ये बताइए कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये तो हमने बात की कि हम उनको कैसे ठंड से बचाएं, लेकिन हाँ ये भी है कि ठंड के दिनों में हमारे पशुधन को बीमारियां भी बहुत लगती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां जो हमारे पशुधन को लग सकती हैं? ये बहुत ही
गंभीर विषय है कि इस समय पर बीमारियां जो होती हैं। देखिए, वैसे कहा जाता है कि ठंड का सीजन सबसे हेल्दी सीजन होता है, दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे बेहतरीन सीजन होता है, लेकिन इसमें भी कुछ बीमारियां होती हैं जो हमारे पशुओं को हो सकती हैं। उनमें एक बीमारी पे मैं ज्यादा प्रकाश डालना चाहूंगी, वो है मुंहपका खुरपका रोग। अच्छा। जिसको कि हम FMD कहते हैं जी। ये जो FMD होता है, इसमें पशुओं के मुंह पर छाले हो जाते हैं, उनकी जो खुरी होती है वो इस प्रकार के क्लोवन फुटेड होते हैं एनिमल्स, बीच बीच में उनके जो है छाले हो जाते हैं। जी, जी। आप समझ सकते हैं यदि मुंह में छाले हुए तो पशु चारा कैसे उठाएगा, खा ही नहीं पाएगा। यदि पशु चारा ही नहीं उठाएगा तो दुग्ध उत्पादन कैसे करेगा। जी। इस बीमारी में मैं एक बात हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि इसमें ऐसा नहीं होता है कि पशु मृत हो जाते हैं, मृत नहीं होते, वे दूध देना कम कर देते हैं, दूध देना बिल्कुल बंद कर देते हैं। आपको इस बीमारी से अपने पशुओं को बिल्कुल बचाना है, बहुत ध्यान रखना है। एक पशु को हो रहा है तो बाकी पशुओं को भी हो सकता है, तो यदि एक में भी इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तुरंत उसे अलग करें, अपने सबसे नजदीकी पशु चिकित्सालय जाकर सलाह लें। इसके अलावा एक और बीमारी है लंपी स्किन डिसीज। अच्छा। लंपी स्किन डिसीज, ये बीमारी पशुओं की त्वचा पर होती है, इसमें छोटे छोटे मुहासे हो जाते हैं शरीर के ऊपर, तो इस बीमारी से भी हमें बचाव की ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके अलावा निमोनिया इंसानों को होता है, निमोनिया बिल्कुल हमारे पशुओं को हो सकता है, बिल्कुल। इसके सिम्टम्स बिल्कुल सेम जैसे हमें होते हैं उसी तरह के होते हैं कि नाक से पानी गिरना, खांसी आना, ग्रामीण भाषा में इसे धांसना भी कहते हैं, तो ये चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा क्या होता है, नाक पे पशु के मोती हमेशा मौजूद रहते हैं, छोटे छोटे मोती होते हैं, वे मोती गायब हो जाते हैं। अच्छा। और सेम बात है कि पशु जो है धीरे धीरे करके प्रोडक्शन से चला जाता है और ये बीमारी तो घातक भी होती है, तो इससे हमें बचाव के लिए वही अलाव जलाना, कभी कभी विक्स की धुनी देना, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये एक इन्फेक्टेड डिजीज है, तो जैसे ही एक पशु में हो तो किसान भाई को उसको बिल्कुल ही आइसोलेट कर देना चाहिए। जी, बहुत अच्छी चीज पूछी आपने। जी। देखिए, रोगा, FMD को ग्रामीण भाषा में रोगा कहा जाता है। जी। तो रोगा यदि आपके एक पशु को आया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस पशु को अलग कर दें, ना सिर्फ उस पशु को अलग कर दें बल्कि बाकी बाड़े में भी देख लें कि कहीं किसी और पशु को हुआ तो नहीं है। ये इसलिए बहुत आवश्यक होता है क्योंकि बेहद कंटेजियस बीमारी है, एक पशु से दूसरे पशु को तुरंत फैलती है। और इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा झाग मुंह से निकलने लगता है, लार बहुत ज्यादा गिरने लगती है। अब आप बताइए, यदि लार या ड्रॉपलेट्स मौजूद है वो तो कहीं भी पानी से जा सकते हैं, हवा से जा सकते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि यदि एक पशु को हुआ है बाकी सभी पशुओं को हम अलग कर दें। अच्छा जी। जी जी, ये तो बात हुई कि हम कैसे, लेकिन इनसे बचाव अब कैसे करेगा हमारा किसान भाई। जी, बहुत अच्छी चीज पूछी आपने, ये बहुत कॉमनली मुझसे पूछा भी जाता है कि हम कैसे बचाव करें। जी, देखिए, बचाव का सारा दारोमदार हमारे किसान भाइयों पर ही होता है, आप ही पर होता है। इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज आपको करनी है वो है स्वच्छता मेंटेन करना। जी। स्वच्छता जिसकी हम आजकल इतनी बात भी करते हैं, इतना प्रचार भी होता है उसका, तो स्वच्छता कहाँ की, स्वच्छता अपनी, स्वच्छता अपने पशुओं की, स्वच्छता अपने बाड़े की। ना सिर्फ बाड़े को आप सूखा रखें, वहां पर जो सार होती है, सार में दरारें होती हैं कई बार, तो वहां पर आप कीटनाशक का छिड़काव लगातार करते रहें। इसके अलावा जो बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं, देखिए क्या होता है कि इस बात पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है कि हम बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन बर्तनों का क्या, वो तो एक बार पानी से धोएंगे हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, उन बर्तनों को हर रोज आपको या तो डिटर्जेंट से धोना है या फिर डिटॉल से साफ करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको बर्तनों की भी खास देखभाल करनी है। कहने को वो नॉन लिविंग आइटम है लेकिन वो बहुत जरूरी है कि हम उसकी हाइजीन वहां से जो इन्फेक्शन आएगा, क्योंकि मुझे जो लगता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन, अगर हम अपनी जो सुरक्षाएं हैं वो पहले ही अगर अपना लेंगे तो नियमित रूप से अगर सफाई रहेगी तो वो निश्चित तौर पर है कि हमारे पशुधन स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपको दो और चीजें बताना चाहूंगी जो बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला है कि आप कृमिनाशक दवाओं का इस्तेमाल करें। यदि आप पहले से ही कृमिनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो सवाल ही नहीं है कि पशु बीमार पड़ेंगे। इसके अलावा एक सबसे जरूरी चीज जो हम सभी को करना है वो है टीकाकरण। टीकाकरण आप हमेशा करवा कर रखें, बिल्कुल। हर सीजन के हिसाब से टीकाकरण अलग अलग होता है। जैसे कि अभी शीत ऋतु शुरू हुई तो उसके पहले तक FMD वैक्सीनेशन यानी कि रोगा का टीका आप सभी ने लगवा ही लिया होगा मेरे हिसाब से, परंतु इसको लगवाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्या इसकी जानकारी भी दी जाती है किसान भाइयों को कि कब लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, ये निशुल्क भी होता है। और इसके अलावा नजदीकी पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्रों, सब जगह पर इसकी जानकारी मौजूद होती है।
विभिन्न तरीके से प्रचार प्रसार भी इसका किया जाता है। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि टीकाकरण अवश्य करवाएं आप। इसके अलावा पशुधन बीमा की योजना होती है जिसका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं और इससे आपका पशु बीमार होने से बच सकता है। जी, बहुत कम समय बचा है, जल्दी से आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि दुग्ध उत्पादन के लिए कौन कौन से जो आहार है वो जल्दी से बताएं, आपके क्या दे सकते हैं। जी बिल्कुल, दुग्ध उत्पादन के लिए आप अपने पशुओं को एक प्रॉपर एक संपूर्ण पशु आहार दें, जैसे कि जो सुदाना होता है या कोई भी पशु आहार होता है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम की कमी कभी ना होने दें, माइक्रो मिनरल्स की आप कमी ना होने दें। इसके अलावा आयरन का सोर्स, जो प्रेग्नेंट होते हैं यानी कि गाभिन होते हैं उनके लिए यदि आप कोई आयरन का सोर्स दे सके तो भी बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। तो इस तरीके से आपको इनकलकेट करके चलना चाहिए। जी किसान भाइयों, कार्यक्रम जारी रहेगा लेकिन अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी स्वतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आज हमने जाना कि किस प्रकार से हम शीत ऋतु में दुधारू पशुओं की देखभाल करें। आगे भी ऐसे ही बहुत से विषयों की जानकारी जो कि कृषि संबंधित है आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे, उनकी चर्चाएं जारी रहेंगी। लेकिन आज के लिए आपसे विदा लेते हैं, उससे पहले हमारे पास जो हमारे एक्सपर्ट आए हुए हैं उनसे विदा तो ले लें। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को जानकारी। अब आप जाने से पहले खबरें खेती देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पे। ICAR को मिला अंतर्राष्ट्रीय मृदा पुरस्कार। खरीफ विपणन सीजन के न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन जारी। किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख किसान लाभान्वित। कृषि मंत्री के अनुसार किसानों की आय बढ़ाने में मददगार होगी पराली। और मंडियों में किसानों को किया जाएगा सम्मानित। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। ICAR को मिला अंतर्राष्ट्रीय मृदा पुरस्कार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को खाद और कृषि संगठन रोम ने अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा पुरस्कार से सम्मानित किया है। ICAR को यह पुरस्कार मिट्टी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया गया है। संस्था का आदर्श वाक्य मिट्टी के कटाव को रोकें, हमारा भविष्य बचाएं के तहत मिट्टी के कटाव के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया गया है। ICAR ने सोशल मीडिया अभियान सॉइल अवर मदर अर्थ में वैज्ञानिकों, सरकारी संस्थानों, अधिकारियों, छात्रों, किसानों और आम जनता सहित लगभग 13,000 अधिक लोगों की भागीदारी के साथ 1 से 7 दिसंबर 2019 के दौरान मृदा स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया था। ICAR भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार संगठन है। इस क्षमता में ICAR दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों में सबसे बड़ा नेटवर्क की देखरेख करता है, जो पूरे देश की बागवानी, मृदा विज्ञान, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान के साथ अन्य क्षेत्रों को भी सम्मिलित करता है। ने भोपाल स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थान भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान को
प्रतिष्ठित राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस 2020 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार संस्थान को उसके द्वारा मृदा स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए दिया गया है। संस्थान द्वारा विगत वर्षों में मृदा स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यालयों तथा किसानों के बीच व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मृदा उत्पादकता को बनाए रखने के लिए मृदा स्वास्थ्य नामक विषय पर भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ने छात्रों के लिए एक्सपोजर विजिट एवं विशेषज्ञ सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र के दौरान कृषि शिक्षा दिवस के महत्व, कृषि विज्ञान, मृदा स्वास्थ्य के महत्व और उच्च फसल उत्पादकता प्राप्त करने एवं मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसके प्रबंधन के बारे में प्रमुख बिंदुओं पर पूरा जानकारी दी गई। खरीफ विपणन सीजन के न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन जारी। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी न्यूनतम योजनाओं के तहत फसलों की खरीद जारी रखी है। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 292.37 की तुलना में इस वर्ष 7 दिसंबर 2020 तक 350.29 LMT से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 19.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। 350.29 LMT की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 LMT का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 57.88% है। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद की है। मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में बीज कपास की खरीद का काम भी चल रहा है। किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख किसान लाभान्वित। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में सीधे सम्मान राशि भेजने की शुरुआत देश भर में की गई थी। इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ लेने वाले किसानों को ₹4,000 दो किश्तों में दिए जा रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 100 करोड़ राशि के हित लाभ किसानों को वितरित किए। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के 5 लाख से अधिक किसानों को राशि वितरित की गई है। कृषि मंत्री के अनुसार किसानों की आय बढ़ाने में मददगार होगी पराली। प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि पराली से बायोगैस और एथेनॉल बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे बनने वाली बायोगैस को सरकार खरीदेगी, जिससे किसानों को सीधा लाभ होगा और पराली जलने से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा। श्री पटेल ने बताया कि पिछले दिनों दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र पटेल से हुई मुलाकात के दौरान किसानों को लाभ पहुंचाने संबंधी योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों को पराली से बायोगैस और एथेनॉल बनाने के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित किया जाएगा बल्कि उन्हें आवश्यक सरकारी मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पर्यावरण प्रदूषण, पशुधन और जनधन हानि को रोका जा सकेगा। मंडियों में किसानों को किया जाएगा सम्मानित। कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगण में कृषि उपज लेकर आने वाले किसानों को भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत सत्कार किया जाएगा। ये बात मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कही है। उन्होंने कहा कि किसानों के आराम की सुविधा विश्राम गृहों में कराई जाएगी। उन्हें मंडी प्रांगण में ही रियायती दरों पर भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। श्री पटेल ने बताया कि किसानों के स्वागत सत्कार के लिए मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सभी कृषि उपज मंडियां आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो किसान भाइयों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।